इसलिए कभी भी अपनी सामर्थ्य शक्ति छुपाना नहीं, दे डालिए कर डालिए, आगे वालों का अपना भाग, अपना पुण्य, अपना योग। ऐसे सुंदर समोषण में काल महाकाल पांडु माणवक शंख पद्म नैसर्प पिंगल और नाना रत्न ऐसी नौ नौ निधियां भी रखी रहती हैं। चक्रवर्ती के पास नौ निधियां होती हैं और वहां कितनी कितनी निधियां रखी हैं, 108 निधियां रखी हैं। ये सारी निधियां तरह तरह की चीजें प्रदान करती हैं, जीवंत हैं वो वहां पर, अगर कोई कल्पना करे तो उन्हें वो कुछ मिल जाएगा। और वो निधियां रखी रहती तो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो निधियों में ही अटक जाते हैं, समोषण में वाणी सुनने के लिए अपने यहां भी, जैसे कुछ लोग भोजनशाला में ही अटक जाते हैं, वहां पर भी ये सब प्रबंध है कि यहाँ नाट्यशाला है, यहाँ पर गानशाला है, यहाँ पर सुंदर बगीचा है, पूरी जो रचना है साथ साथ भूमियों की रचना है। सबसे पहले भूमि साल कोट के आगे चैत्य प्रासाद भूमि है और किसी शास्त्र में उल्लेख आता है खाती का भूमि है, छोटी सी सुंदर बढ़िया खाई बनाई गई है और तीर्थंकर भगवान की जितनी ऊंचाई होती है उससे चौथाई ऊंचाई वाली है कि कोई गिर भी पड़े तो कोई तकलीफ का काम, गिरने का काम नहीं होता है, गिरने का काम तो संसार में होता है, समोसरण में तो केवल तरने का काम होता है। सज्जनों चैत्य प्रासाद भूमि है, बड़े बड़े सुंदर चैत्यालय बने हैं, चैत्यालय बने मतलब महाराज जी मंदिर तो बना दिए थे, कम से कम चौधरी मंदिर नए कुबेर ने बनाया है तो चैत्यालय क्यों बनाया, बोलो, मंदिर तो बना देते। यानी दुनिया में जैसे लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बोलते हैं ना, वैसे ही जैन शासन में जैन भगवान के जो स्थान होते हैं उन्हें चैत्यालय ही बोलते हैं। ये तो हमारी भाषा ही भूल चल रही है कि मंदिर नहीं बोलते हैं, मंदिर ही बोलते हैं आजकल। और चैत्यालय किसे बोलेंगे, जिसमें शिखर ना होगा तो बोलेंगे चैत्यालय। अरे भाई चैत्यालय, आपको कैसे मालूम कि हम ये बोलने वाले हैं, इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा मनप्पर ज्ञान आप लोगों को, क्योंकि मुनियों को ही होता है। चैत्यालय 80 सुखकारी मतलब क्या है, बिना शिखर के छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं क्या, नहीं, उसको आप पढ़ो तो मूर्ति कितनी है, कितनी बड़ी है, 500 धनुष की मूर्ति है, कैसी सुंदर है, केस मोह भों छवि देत है, नाखून ऐसे हैं, फिर भी चैत्यालय कह रहे हैं, लाल मुख नयन, तो जिन भगवान के जो आलय हैं उन्हें चैत्यालय ही बोलते हैं। हमें बड़े से बड़े मंदिर को भी चैत्यालय बोलने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर कहोगे कि वो जिसमें शिखर नहीं है और जो छोटा सा है हम उसको क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे ग्रह चैत्यालय। आप कहो कि अगर किसी ग्रह में नहीं है, किसी के घर से संबंधित नहीं है तो क्या बोलेंगे, सामाजिक है और छोटा मंदिर जैसा है बिना शिखर का, तो उसे चैत्यालय ही बोलेंगे। लेकिन गुरुजनों को स्पष्ट कर देंगे कि चैत्यालय का मतलब मंदिर ही है, लेकिन एक मंदिर ऐसा है कि जो शिखर वाला है और ये वाला मंदिर ऐसा है कि शिखर नहीं है। देखो शिखर नहीं है तो शिखर बनवाओ। हाँ इतने बड़े बड़े इंद्रलोक बैठे हैं आपके आंसू आजू बाजू में भी, देखो क्यों नहीं शिखर बनेगा। तो ऐसे चैत्यालय हम तो एक देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग तो ना दो दो गज 200-200 गज में फैले हुए 100-100 गज में फैले हुए बड़े बड़े मंदिर बना के चले गए मैं शिखर बंद, और आज की पीढ़ी इतनी कमजोर हो चली कि उनकी पूजा पद्धति की सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरी तैयारी नहीं कर पा रही, पूरा उतना भी प्रबंध नहीं हो पा रहा, करना चाहिए आपस में मिलजुल करके करना चाहिए। मंदिर के नाम से कोई संस्था है या कोई संस्था नए सिरे से खड़ी करो या है,
तो भी सारे मंदिरों की रखरखाव की एक तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की कागजात की उसको ख्याल होना चाहिए। इतनी सारी संस्थाएं हैं, जब बहुत ढेर सारे अध्यक्ष आते हैं तो कभी ऐसे लगता है इतने सारे अध्यक्ष, ये किसका अध्यक्ष उसका, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि यहाँ तो लगता है कि यहाँ अध्यक्ष ही अध्यक्ष रहते हैं। लेकिन एक बात है, इसमें एक अच्छाई ये भी हो सकती है कि समाज कितना जागृत है कि छोटी बड़ी इतनी सारी संस्थाएं हैं और काम कर रही हैं, एक उसका एक अर्थ ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि सबके अपने पे वर्क होना चाहिए कि अगर इस संस्था ने मंदिर कमेटी ने वो एक ले रखा है कि सारे जिनालयों का हम संज्ञान रखेंगे, तो वहाँ से संबंधित सारी जानकारी हो और उस पर काम करने का फोकस हो और उन मंदिर के लोगों को उस कमेटी से जुड़ करके अपने काम करवाते रहने का जज्बा भी होना चाहिए, आपसी विश्वास होना चाहिए। नहीं वो आके ट्रस्टी बन जाएंगे, वो कब्जा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, भाई भाई को साधर्मियों को आपस में विश्वास ना होगा तो फिर तुम किस पर भरोसा करोगे? विश्वास के लायक बने और विश्वास करें। तो कार्तिका भूमि है, चैत्य प्रसाद भूमि है, बड़ी सुंदर दोनों तरफ कुंड हैं, बावड़ियां हैं और मानस्तंभ है। चैत्य प्रसाद भूमि में बीचों बीच वीथी में मानस्तंभ है। ऐसे मानस्तंभ के दर्शन करके ना अभिमान भी गलित हो जाता है। और उसके बाद दूसरी वेदी आती है, चैत्य प्रसाद भूमि के बाद वेदी गोपुर द्वार। वेदी तो समझते ना, थोड़ी ऊंचाई और सुंदर गोपुर द्वार, गोपुर द्वार सुंदर दरवाजा। फिर खातिका भूमि, फिर दूसरी भूमि के बाद दूसरी वेदी, फिर आगे आता है लता वन। तीसरी भूमि जो है ना वो लता वन की भूमि है, तरह तरह की सुंदर लताएं हैं। और उसके बाद आता है कोट, परकोटा। परकोटे के बाद आता है उपवन भूमि, ये बनी हुई है, थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाया भी गया है कि अब लता भूमि, लताएं वो होती हैं जो बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ पाती, और उपवन में पेड़ होते हैं, आम के वृक्ष हैं, सप्तच्छद है, जम्बू वृक्ष हैं, यहाँ पर भी होंगे ना आम के पेड़, आम हैं क्या उस पर, हैं छोटे छोटे होंगे, चैत के महीने में आते हैं, वैसे अभी मौसम नहीं है। तो ऐसे उपवन भूमि होती है, बड़ी सुंदर संरचना होती है। वहां पर भी उन जो चैत्य वृक्ष हैं उन पर जिन प्रतिमाएं हैं और चक्रवर्ती इंद्रा जाकर के उनकी आराधना करते हैं। फिर इसके बाद में दो दो नाट्यशालाएं हैं, दोनों तरफ नाट्यशाला जहाँ नाटक होता रहता है, नृत्य चलता रहता है, आराम से बैठ बैठ के देखो आप, और उसी में अगर रम गए तो समोषण में भी पहुँच नहीं बात है। पांचवी ध्वज भूमि है, तरह तरह के सिंह हैं, ग्रज वृषभ गरुण मयूर चंद्र सूर्य इंद्र कमल चक्र, इन 10 जिन्हों से चिन्हित ध्वजाएं हैं, 10 दिशाओं में 108 ध्वजाएं सुंदर सुंदर शोभायमान हैं, उनका बड़ा बड़ा परिवार है। फिर इसके बाद चांदी के समान सुंदर तीसरा परकोटा है, फिर धूली सालकोट के समान ही उसकी सुंदरता है, शोभा है, और वहाँ पर भुवनवासी देवों का पहरा है। फिर आगे छठी कल्प वृक्ष भूमि है, कल्प वृक्ष भूमि में कल्प वृक्षों की रचना है, कल्प लताएं हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहाँ पर बने हुए हैं, पानांग धूपांग तूर्यांग भूषणांग मध्यांग वस्त्रांग भोजनांग आलयांग दीपांग भाजनांग मालांग तेजांग, ऐसे नाम जैसे जैसे हैं उनसे वो उस टाइप की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती कल्प वृक्षों से। तो कल्प वृक्षों की संरचना है, और कल्प वृक्ष भोग भूमि में फल दिया करते थे, लेकिन समोष्ण में स्थित कल्प वृक्ष भी फल देते हैं। लोग कल्प वृक्ष से मांगते रहो क्या चाहिए, तो अपन कल्प वृक्ष के पास जाएंगे कि मुझे बड़े महाराज की पिच्छी चाहिए,
क्या चाहिए? सोने का हार चाहिए। भाई छोटे महाराज की क्यों नहीं चाहिए? कल वृक्ष कभी पूछे वहाँ का कोई देवता, फिर क्या कहोगे? और फिर वो कहेगा कि छोटे महाराज भी तपस्या तो कर ही रहे। फिर तो कल वृक्ष जो है कल्पित वस्तुएं प्रदान करते हैं, और वहाँ पर भी सुंदर सुंदर मंदार, संतानक, नमेरु आदि जाति के वृक्ष होते हैं, सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं, और जिन प्रतिमाएं विराजमान होती हैं उनकी वंदना सभी करते हैं। फिर इन भूमि की जो गलियां हैं इनके दोनों भाग में यहाँ पर भी चार चार नाट्यशालाएं हैं। 32 रंग भूमियों में ज्योतिषी देवियां नृत्य करती रहती हैं, पूरा चित्रहार चलता रहता है। अब आराम से सुबह से शाम तक तरह तरह का नृत्य देखते रहो। अगर रागी हो तो उसी में उलझ जाओगे, थोड़ी सी भी रुचि है तो तीर्थंकर के पास पहुंच पाओगे। फिर आगे फिर वेदी है, फिर गोपुर द्वार है, फिर नौनिधियां रखी हुई हैं, फिर भवन भूमि है, और एक एक भवन में देवताओं के गीत नृत्य चलते रहते हैं। वहां पर जिन प्रतिमाओं के अभिषेक होते रहते हैं, भवन भूमि के जो गली है, रास्ता है, वहां नौनो स्तूप हैं, अरहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर तोरण द्वार बने हुए हैं, ध्वजाएं फहरा रही हैं। और फिर आगे आता है चौथा कोट जो स्फटिक के समान है, मरकत मणि से बना हुआ है, कल्पवासी देव जिसकी रक्षा करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा है। ऐसे इसके आगे आती है आठवीं श्री मंडप भूमि, बीचों बीच 16 दीवारों से 12 सभाएं बन जाती हैं। जैसे एक सभा में हम बैठे, दूसरी में ये बैठे, तीसरी में ये बैठे। अब अपने समोसण में तो ऐसे ही हो सकता है, 12 जने बैठ जाएं तो अपना समझ लो 12 सभाएं पूरी हो गई। लेकिन वहां की सभाएं सचमुच में बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर उसमें 12 हिस्से बना दिए जाएं तो भी हजारों देवता, लाखों इंसान एक साथ बैठने की सुविधा है। क्या बात हुई कुबेर महाराज? अपनी ये भक्ति कभी वो अवसर भी लाएगी कि बड़े से बड़ा भी। तो फिर वहां पर प्रभु जी के विराजमान होने की तीन कटनी हैं, और कटनी के ऊपर श्री जी सिंहासन कमल के ऊपर विराजमान होते हैं। जो 12 सभाएं हैं उनमें बैठने का क्रम भी जबरदस्त है। निर्ग्रंथ मुनिराज, निर्ग्रंथ कल्प बनिता वृत्तिका भवौम, नांगस्त्रयो भवन भौम भकल्प देवा, कोटस्तवा नृपस्वोपनमंत यश्य तस्मै नमस्त्र भुवन प्रवेशिनाय। 12 सभाओं में सबसे पहले कौन बैठेंगे? गणधर मुनिराज। मुनिराज सबसे ऊंचा स्थान है मुनियों का, यानी कितने भी चक्रवर्ती हों उन्हें ज्ञान है कि व्रति हमसे ऊंचे हैं। दूसरी सभा कल्पवासी देवियों की होती है। क्यों? एक व्यवस्था है। उसके बाद आरिका माताओं की सभा, उनके साथ व्रति श्राविकाएं, उसके बाद ज्योतिषी देवियां, व्यंतर देवियां, फिर भवनवासी देवियां, फिर भवनवासी देव, फिर व्यंतर देव, फिर ज्योतिषी देव, फिर कल्पवासी देव, फिर किसका नंबर आया? मनुष्य चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती मनुष्य आदि के बाद आया जानवरों के लिए भी 12वां कोठा स्पेशल आरक्षित है। पंचेंद्री संगी हैं, जीव वहां पहुंचते हैं, सुनते हैं। सिंह, व्याघ्र, हरण, गाय, भैंस सभी जाते हैं वहां पर। बोलो, पंचेंद्री जीव, सर्प, शेर यहां आ जाए तो क्या होगा? भाई अपनी कैपेसिटी उतनी नहीं है। वहां का ऐसा शांत वातावरण हो जाता है
कि शेर और गाय भी एक साथ बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते। स्फटिक से बनी हुई जो पांचवी वेदी है ना, उसके आगे पहली कटनी पर इस 16 भूमि की बात, फिर एक बाउंड्री है कि उसके आगे सब नहीं जाएंगे। फिर उस कटनी की रचना है, बैडूरी मणि से बनी है। प्रथम कटनी के ऊपर चालों गलियों से चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हैं हर एक कोठे से, कि अगर आप परिक्रमा करने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और वहां पर प्रत्येक रास्ते में यक्षेंद्र सर्वान यक्ष अपने माथे पर धर्म चक्र लेके खड़े, गणधर देव भगवान जिनेन्द्र की वंदना करते हैं, पहली कटनी से प्रदक्षिणा देते हैं, फिर अपने कोठे में आके बैठ जाते हैं। जो दूसरी कटनी है वो स्वर्णमय है, 8-8 सीढ़ियां हैं और वहां पर तरह तरह की ध्वजाएं रखी हैं, धूप घट हैं, पूजन के द्रव्य हैं, मंगल द्रव्य हैं। फिर तीसरी कटनी है, और तीसरी कटनी एकदम सुंदर गोल है और उसके ऊपर गंध कुटी है, और गंध कुटी में छत्र चमर भामंडल किंकिणी आदि से सहित श्री जिन भगवान की सुंदर आसंदी होती है, सिंहासन होता है, और सिंहासन के ऊपर कमल की संरचना, और फिर उसके ऊपर चार अंगुल आधार में जिनेन्द्र भगवान विराजमान होते। दुनिया में सब लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान का समोषण इसका प्रतीक है कि लक्ष्मी समोषण में तीर्थंकर के पीछे भागती। इतना बड़ा सोने का ढेर हो गया, 5,000 धनुष ऊंचा और उसके ऊपर भी, लेकिन उन्होंने उस सोने के कमल का भी स्पर्श नहीं किया, उससे भी कितने ऊपर धन है। वीतराग हो गए ना, राग मिट गया है, द्वेष मिट गया है, विकार मिट गए, कोई चाह ही नहीं है। ऐसे प्रभु जी जैसे विराजमान होते हैं, हम लगभग मंदिर जी की रचना भी वैसे ही करते हैं। ऐसा ही समोषण हमें दिव्य ध्वनि सुनने के लिए प्राप्त हो, और समोषण में हम जब पहुँचें तब पहुँचें, जिनालय में हमें रोज जाना चाहिए। एक सुश्रावक को रात्रि भोजन का त्याग भी करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, मध्य मास मधु का त्याग होना चाहिए, और निरंतर वीतरागी देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आत्म विकास करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।